आज का आजाद सिपाही अखबार आपने पढ़ा क्या? पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। गृह मंत्रालय ने जारी की नई गाइडलाइन, कंटेनमेंट जोन के बाहर चरणबद्ध तरीके से मिलेगी छूट। नमस्कार, आजाद सिपाही में आपका स्वागत है, मैं हूँ चाहत सिन्हा। देश में 30 जून तक के लिए लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। 8 जून से रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल और धार्मिक स्थान खुलेंगे। इसको लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय SOP जारी करेगा। कंटेनमेंट जोन में सिर्फ जरूरी सेवाओं की अनुमति होगी। देश में लॉकडाउन 5 लागू हो गया है, अब ये 1 जून से 30 जून तक लागू रहेगा। शर्तों के साथ धार्मिक स्थल खुलेंगे। रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। इसको लेकर सरकार ने गाइडलाइंस जारी किए हैं। लॉकडाउन 5 को अनलॉक 1 का नाम दिया गया है। लॉकडाउन सिर्फ कंटेनमेंट जोन में 30 जून तक लागू होगा। कंटेनमेंट जोन में सिर्फ जरूरी सेवाओं के लिए अनुमति होगी। फेज 1 में 8 जून से धार्मिक स्थान, शॉपिंग मॉल, रेस्टोरेंट्स खुलेंगे। इसके लिए SOP स्वास्थ्य मंत्रालय जारी करेगा। 30 जून तक नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। फेज 2 में स्कूल कॉलेज खोलने को लेकर जुलाई में फैसला होगा। सामाजिक आयोजनों पर पाबंदी जारी रहेगी। फेज 3 में स्थिति की समीक्षा के बाद ही अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों, मेट्रो, सिनेमा, जिम, स्विमिंग पूल, बार, असेंबली हॉल को खोलने का फैसला होगा। अंतर्राज्य परिवहन पर रोक नहीं होगी। हालांकि राज्य चाहे तो इस परिवहन को नियंत्रित कर सकता है, लेकिन इसके लिए पहले से लोगों को बताना होगा। 65 साल से ज्यादा के लोग, गर्भवती महिलाएं, पहले से बीमारियों से ग्रसित व्यक्ति, 10 साल से छोटे बच्चों को घर में रहने की सलाह दी गई है। सिर्फ जरूरी कार्य व स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए ही बाहर निकले। पहले की तरह मास्क लगाना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी होगा। भीड़ लगाना मना होगा। शादियों के लिए ज्यादा से ज्यादा 50 लोग इकट्ठे हो पाएंगे। अंतिम संस्कार के लिए 20 से ज्यादा लोग इकट्ठे ना हो। सार्वजनिक जगहों पर थूकने पर प्रतिबंध जारी रहेगा। सार्वजनिक जगहों पर पान, गुटखा, शराब का सेवन प्रतिबंधित रहेगा। जहां तक हो सके लोग घर से ही काम करें। कार्यस्थलों पर स्क्रीनिंग और हाइजीन की पूरी व्यवस्था हो, सैनिटाइजेशन किया जाए। बता दें कि कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए देश में लागू लॉकडाउन का 4th चरण का कल 31 मई को आखिरी दिन है। अभी के लिए बस इतना ही। अन्य खबरों के लिए देखते रहिए आजाद सिपाही।